Guys, welcome back to my channel and today I am going to show you how to use Dyson Airwrap because I was not shown in my previous video how to use. So let's get started. सबसे पहले मैं एक small section लूँगी. उसके बाद मैं इसे water से wet करूँगी. मैं अपने बाल के सिर्फ इतने से सेक्शन को ही कर्ल करने वाली हूँ और यहाँ पे मैं 30 mm के बैरल का यूज करूंगी कर्ल करने के लिए. इसको मैं ऑन की और ये अपने आप ही हेयर को रैप कर रहा है. कर्ल करते हुए मैं आपको ये बता दूं, ये मेरे हेयर में जो मैं कर्ल कर रही हूँ ये काफ़ी देर तक स्टे नहीं करने वाला है. उसका रीज़न ये है कि मेरे हेयर का जो टेक्सचर है वो सिल्की और स्ट्रेट है और यहाँ पे मैंने किसी भी टाइप के स्टाइल क्रीम का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये मेरे बालों में बहुत देर तक स्टे नहीं करने वाला. पावर बटन से पावर ऑफ करके बैरल को मैं अपने कर्ल से बाहर निकालूंगी. सो नाउ दिस इज माय कर्ल. कितना बाउंसी लुक है, सॉफ्ट, सो नाइस. नाउ आई शो यू सेकेंड बैरल. ये सेकेंड बैरल है जो 40 mm का है. इसे मैं इसमें एडजस्ट करके लॉक की और वापस से उसी प्रोसेस को करूंगी जो मैंने 30 mm के बैरल के लिए किया था. ये है मेरा सेकेंड कर्ल. जो मैंने 40 mm के बैरल से किया है और अब मैं आप सबको इस स्मूथनिंग ब्रश का यूज करके दिखाऊंगी. ये है स्मूथनिंग ब्रश और इसका यूज मैं अपने कर्ल पे कर रही हूँ जिससे मेरे बाल वापस से स्ट्रेट हो जाएंगे. आप सब देख सकते हो. मैं आप सबको ये बता दूं, किसी भी टाइप का हेयर टेक्सचर हो, हम स्मूथनिंग ब्रश के थ्रू स्मूथ और स्ट्रेट हेयर अचीव कर सकते हैं. अब मैं आप सबको राउंड ब्रश का यूज करके दिखाऊंगी.
आप सब लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा इफेक्ट आया है। जैसा हम सलून में जाके ब्लो डार करवाते हैं अपने बालों में, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट है। हम राउंड ब्रश के थ्रू बहुत ही बॉन्सी और अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने बालों में, और ये काफ़ी हैंडी है। इसका यूज़ मैं डेली करती हूँ। ये ड्रायर मुझे शैम्पू किए हुए एक दिन हो चुका, इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। लास्ट में मैं आप सबको अपने दूसरी साइड को कर करके दिखाऊंगी। और ये स्टाइल किसी भी टाइप के ट्रेडिशनल ड्रेस पे सूट करता है। ये स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, और जब भी मुझे कहीं जाना रहता है या मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है तो मैं इस हेयर स्टाइल को बहुत इजीली अचीव कर लेती हूँ, और दिखने में भी ये काफ़ी परफेक्ट और अच्छा लगता है। आप सबको भी काफ़ी पसंद आएगा। आप सब देख सकते हो इसका लुक। काफी अच्छा है। इसी तरह से मैं एक सेक्शन को और करूंगी। ये मेरा दूसरा कर, और इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूंगी। आप सब देख सकते हो अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़।